मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपने वीडियोस को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं विशाखा जायसवाल आप सभी का पाथवे इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक छोटी सी सीरीज़ है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं, जिसमें आपको ये बताया जाएगा। मैंने काफ़ी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सीरीज़ में भी काफ़ी चीज़ें ऐड कर रखी हैं, चैप्टर्स भी मैंने पढ़ा है, पर अभी प्रॉपर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का हम लोग क्लास नहीं ले रहे हैं। जल्द ही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की क्लासेस भी चालू होंगी, धीरे धीरे करके हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते जाएंगे। बट आज जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो टॉपिक्स में हम लोगों ने चूज़ किया है, इससे पहले भी मैंने टेम्पलेट स्टैंड के बारे में बता रखा है। मैंने काफ़ी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिस्कस किया हुआ है कि टेम्पलेट स्टैंड क्या होता है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, उसके सब्सट्रेट क्या होते हैं, डीएनए आरएनए में डिफरेंस क्या होता है। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें ऐड की हैं, बट आज जो ये जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, बट आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो प्लीज़ इस टॉपिक को देखिएगा ज़रूर, इसमें आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा कि हम लोग टेम्पलेट स्टैंड तो बोलते हैं। हम लोगों ने इसके पहले भी जो वीडियोस देखा हुआ है टेम्पलेट स्टैंड पे, हम लोगों ने बात किया था, उस वीडियो को आप जाकर के देखें। हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर देंगे कि टेम्पलेट स्टैंड वाला टॉपिक कौन सा है आपका, तो आप लोग उसको देख करके फिर ये वाला लेक्चर करिएगा, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा कि आप लोग ये क्लियर कर पाएंगे कि टेम्पलेट स्टैंड कौन सा होता है। हम लोगों ने डिस्कस भी किया है कि टेम्पलेट स्टैंड डीएनए रेप्लिकेशन के केस में अलग, ट्रांसक्रिप्शन के केस में अलग होता है। तो टेम्पलेट स्टैंड की अगर आज हम यहाँ बात करेंगे, तो अब आप पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। आज हम लोग टेम्पलेट स्टैंड के बारे में कुछ खास बात डिस्कस करने जा रहे हैं, तो नोट डाउन ज़रूर करिएगा। आज हम जो बोले जा रहे हैं टेम्पलेट स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड जब भी हम डीएनए की बात करते हैं तो हम डीएनए में चूज़ करते हैं कि डीएनए क्या है, एंटी पैरेलल है, ठीक है। इसका मतलब कि एसिमेट्रिकल, एक 5' to 3' है और 3' to 5' है। तो हमें पता है कि ये दोनों पैरेंट स्टैंड है और ये आगे चल के क्या बनाएंगे, दो डॉटर स्टैंड और बनाएंगे। इस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। पर हमें यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ज़रूरी नहीं है कि डीएनए ही टेम्पलेट की तरह काम करे, आरएनए भी टेम्पलेट की तरह काम करता है। तो मैक्सिमम हमारे दिमाग में क्या होता है कि डीएनए ही टेम्पलेट की तरह काम करता है, बट कुछ जगह हम ऐसी जगह भी देखेंगे जहाँ पर आरएनए जो है वो भी एक्ट करता है टेम्पलेट की तरह। वो कौन सी जगह है जहाँ पर आरएनए करता है काम, वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर डीएनए जब भी एक्ट करता है टेम्पलेट स्टैंड की तरह, तो वहाँ पर दो एंजाइम्स होते हैं जो कि डीएनए की डीएनए को यूज़ करते हैं एज अ टेम्पलेट। वो दो एंजाइम कौन से हैं? पहला डीएनए पॉलीमरेज है, दूसरा आरएनए पॉलीमरेज है। तो हमें ये दिमाग में रखना है कि जब भी डीएनए एज अ टेम्पलेट पूछा जाएगा, डीएनए को टेम्पलेट की तरह यूज़ करते हैं, और डीएनए में भी किस स्टैंड को हम टेम्पलेट की तरह यूज़ करते हैं ये भी हमें ज़रूरी है जानना। डीएनए में दो स्टैंड हैं, ठीक है, एक 5 to 3, एक 3 to 5। तो जो टेम्पलेट वाला स्टैंड होगा वो अपने लाइफ में याद रखिएगा हमेशा 3 to 5 वाला ही होगा, चाहे आप डीएनए पॉलीमरेज की बात करिए, चाहे आप आरएनए पॉलीमरेज की बात करिए, दोनों में ही टेम्पलेट स्टैंड हमेशा आपका 3' to 5' वाला ही होगा। टेम्पलेट स्टैंड वो स्टैंड होता है जिसको देख करके हम बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे देख के बनते हैं, तो ये हम लोग देखेंगे। यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज की हम बात करेंगे, तो डीएनए ये टेम्पलेट की तरह चूज़ करता है। डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए के रेप्लिकेशन के टाइम पर यूज़ होने वाला एंजाइम है। जैसे डीएनए से डीएनए जब बनता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर, रेप्लिकेशन तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को करने के लिए किसी एंजाइम की हमें ज़रूरत पड़ेगी। वो एंजाइम कौन है? डीएनए पॉलीमरेज। इस डीएनए पॉलीमरेज का दूसरा नाम जो है वो ज़्यादा इंटरेंसेज में पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। हमने आगे भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर ये जो डीएनए बना हुआ है, ये जो डीएनए है वो किस पर डिपेंड है? खुद पर ही डिपेंडेंट है। तो इसलिए इस एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज की अगर हम बात करें, आरएनए पॉलीमरेज तब यूज़ होता है जब ट्रांसक्रिप्शन की बात होती है। ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे हम जो एंजाइम यूज़ करते हैं वो है आरएनए पॉलीमरेज, और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है, या फिर आप बोल सकते हो डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। तो ये एमआरएनए जो बन रहा है वो डीएनए से बन रहा है, तो डीएनए आरएनए जो है वो किसको देख करके बन रहा है? डीएनए को। तो इस एंजाइम का, आरएनए पॉलीमरेज का जो दूसरा नाम है वो क्या है आपका? डीएनए डिपेंडेंट, क्योंकि डीएनए पर डिपेंडेंट है और आरएनए पॉलीमरेज तो ये है ही, ठीक है। इसका मतलब डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज एक टेम्पलेट डीएनए उसके लिए एक्ट करता है टेम्पलेट की तरह। बहुत से लोगों को लगता है डीएनए पॉलीमरेज तो है बट आरएनए पॉलीमरेज आरएनए के लिए है, बट ऐसा नहीं है। अब वो कैसे, वो कहाँ कैसे प्रूव करेंगे हम, ये स्ट्रक्चर से हमें क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम डीएनए पॉलीमरेज को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर,
यहाँ पर जब भी हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो डीएनए रेप्लिकेशन में दो स्टैंड हमने लिया है, एक 3' टू 5', और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ये टेम्पलेट स्टैंड है। चाहे आप यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जब हम ट्रांसक्रिप्शन करा रहे तो भी हमने 3' टू 5' स्टैंड को ही टेम्पलेट स्टैंड लिखा है। इसका मतलब ये क्लियर है कि डीएनए का जो दो स्टैंड है वो दोनों ही स्टैंड एक्ट करता है टेम्पलेट की तरह रेप्लिकेशन के टाइम पे। बट जब ट्रांसक्रिप्शन की बारी आती है, जब डीएनए से एमआरएनए बनना होता है, उस टाइम पे एमआरएनए सोचता है कि किस डीएनए के किस वाले स्टैंड को देख करके बने, तो जिसको देख करके वो बनता है उस स्टैंड को हम टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। और यहाँ पर वो टेम्पलेट स्टैंड कौन है? 3' टू 5' वाला, ठीक है। तो ये आपका टेम्पलेट स्टैंड है। यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज आ रहा है, यहाँ डीएनए पॉलीमरेज है जो कि 3' को OH की रिक्वायरमेंट होती है, और ये अब क्या करेगा, न्यू न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा, ऐड कर देगा, ठीक है। यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आया, वो कहाँ बाइंड कर रहा है? 3' टू 5', टेम्पलेट स्टैंड क्या है, 3' टू 5' वाले स्टैंड पे बाइंड किया, और ये आरएनए पॉलीमरेज अब क्या कर रहा है, एमआरएनए बना रहा है, यहाँ पर एमआरएनए बन रहा है। तो डीएनए के किस वाले स्टैंड को देखकर बन रहा है? टेम्पलेट स्टैंड को देख करके ये क्या बन रहा है? एमआरएनए। तो टेम्पलेट स्टैंड डिपेंड करता है कि डीएनए हम यूज कर रहे हैं या आरएनए, और डिपेंड ये भी करता है कि डीएनए में भी हम किस स्टैंड को और कब कहाँ पर किस प्रोसेस के लिए यूज कर रहे हैं। अगर हम रेप्लिकेशन के लिए यूज करें तो हमें दोनों स्टैंड हमारे एक्ट करेंगे डीएनए एज अ टेम्पलेट की तरह, लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन की बारी आएगी तो कोई एक स्टैंड एक्ट करेगा डीएनए एज अ टेम्पलेट, वो है 3' टू 5' वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं आरएनए जो है वो एक्ट करता है टेम्पलेट स्टैंड की तरह। वहां पर जो एंजाइम है वो एंजाइम कौन सा है? वो वहां पर जो एंजाइम है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में यूज होता है। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? जब हम सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्युलर बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हम डीएनए से क्या बनाते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए से एमआरएनए, ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया। लेकिन वापस हम जब बैक जाते हैं एमआरएनए से, फिर से हम जो डीएनए बनाते हैं वो एमआरएनए से जो डीएनए बनता है उसको हम कम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं, या फिर उसको हम सीडीएनए के नाम से जानते हैं। ये कम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाने के लिए भी हमको बैक जाना पड़ा है, रिवर्स जाना पड़ रहा है इसलिए, और किसके रिवर्स जाना पड़ रहा है? ट्रांसक्रिप्शन के, इसीलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। ट्रांसलेशन नहीं बोलते, रिवर्स ट्रांसलेशन ऐसा कोई प्रोसेस अभी देखा नहीं गया है, लेकिन आप इन विट्रो करा सकते हो, मतलब आप आर्टिफिशियली इस चीज़ को कर सकते हैं। जब भी हम बात करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आपका कब, कौन सा प्रोसेस है? जब आप एमआरएनए से सीडीएनए कम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस के लिए जो एंजाइम की जरूरत पड़ती है उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसको पहली बार टेमिनिम नाम के साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए इसको टेमिनिज्म भी बोलते हैं। और अगर डीएनए एज ए टेम्पलेट की बात करें तो इसको क्रिक ने डिस्क्राइब किया था, इसलिए यहाँ पर इसकी बात हम करते हैं। आरएनए एक्ट करता है टेम्पलेट स्टैंड के लिए, तो हम इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का कोई तो दूसरा और नाम होगा, जैसे डीएनए पॉलीमरेज का डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज था, आरएनए पॉलीमरेज का डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज था, उसी तरह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का भी दूसरा नाम है। यहाँ पर आरएनए डिपेंडेंट है, डीएनए किस पर डिपेंडेंट है? एमआरएनए पे, इसीलिए कहा जा रहा है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो ये तीन बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इस दोनों एंजाइम का नाम किस नाम से बुलाते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रखती है। हम टेम्पलेट स्टैंड किस लिए यूज़ करें? डीएनए को भी यूज़ करते हैं, आरएनए को भी यूज़ करते हैं। हमें टेम्पलेट स्टैंड पे ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे किसको यूज़ करते हैं, ट्रांसलेशन के टाइम पे किसको यूज़ करते हैं, ये सारी बातें, बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, हमें क्लियर होनी चाहिए कि टेम्पलेट की तरह हम किसको यूज़ किए हैं, कब कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है। तो ये छोटा सा वीडियो था, शॉर्ट वीडियो था, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि डीएनए कब एक्ट करता है टेम्पलेट स्टैंड की तरह और आरएनए कब एक्ट करता है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और बाकी भी हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे शॉर्ट्स वीडियो भी लाएंगे और पूरी प्रॉपर सीरीज़ भी ले आएंगे जल्द ही, आप वेट करिए। जय हिंद, जय भारत।